नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं G3+ अड़बर में कार्यरत हूँ, जो कि नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, फिर हम बात करेंगे संयोजकता वैलेंसी के बारे में, फिर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बारे में, फिर बात करेंगे परमाणविक भार एटॉमिक वेट के बारे में, और अंत में बात करेंगे हम निष्कर्ष और कंक्लूजन के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल को शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को। रदरफोर्ड ने बेटा एक परमाणु मॉडल दिया था, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसने कहा था कोई भी परमाणु हो, उसके केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है, जिसके अंदर धनात्मक आवेश होता है, और उसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बेटा, अगर कोई ऋण आवेशित कण किसी आवेशित दूसरे आवेशित कण के चारों तरफ त्वरण करता है, तो वो अपनी ऊर्जा का विकिरण करता है, वो अपनी ऊर्जा को छोड़ता है। जैसे हमारे परमाणु के अंदर भी यही हो रहा है, एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों तरफ उसके प्रभाव में त्वरण करने लग रहा है। तो ऐसा ही परमाणु के अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करना चाहिए और वो धीरे धीरे नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। मतलब परमाणु हमारा क्या होना चाहिए था, अस्थायी होना चाहिए था, अस्थिर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। नील बोहर ने, उसने क्या कहा था, पहला पॉइंट तो उसने कहा था जो रदरफोर्ड ने कहा था वही सेम था, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु हो, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, ना ही ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ना ही ऊर्जा का विकिरण करते हैं। मतलब ना ही ये ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ना ही ऊर्जा को छोड़ते हैं। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में, स्थिर वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं और हमारा परमाणु हो जाता है स्थिर। तो ये कहा था बेटा नील बोहर ने, ये हो गया हमारा नील बोहर का परमाणु मॉडल। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, कि जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं, उनको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, वो कैसे किसी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी उनसे इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है। तो इसमें हम सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहला रूल, तो कोई भी कक्ष हो, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, जो हम निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से, 2n² 2n की शक्ति 2। जैसे पहला कक्ष हमारा होता है के सेल, इसके अंदर n की वैल्यू रहती है 1। तो अगर हम ये वैल्यू रखें 2n² वाले सूत्र में, तो के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा सेल है हमारा एल सेल, इसके अंदर एन की वैल्यू होगी 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तीसरा सेल होता है हमारा एन सेल, इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू होगी 3, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 18। नेक्स्ट सेल आता है, नेक्स्ट कक्ष आता है हमारा एन, एन सेल में एन की वैल्यू होती है 4, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, शाबाश, 32 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, मतलब पहले अंदर वाला कक्ष भरेंगे,
फिर बाहर वाला कक्ष भरेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले बाहर वाला कक्ष भर देंगे, अंदर वाला कक्ष खाली रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कोष है, बाह्यतम कोष जो है, उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसी पे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करें यहाँ पे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो परमाणु क्रमांक ही बताता है बेटा किसी परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसकी परिभाषा हम आगे इसी पाठ में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का है 7, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे कक्ष में अरेंज करेंगे? सबसे पहला सेल है के, इसके अंदर बच्चों मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला कक्ष आता है हमारा L, L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 8, शाबाश। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 7 ही हैं, दो हमारे K सेल के अंदर आके कितने बच गए? 5। तो L सेल के अंदर हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा K2L5। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हमने लिया है यहां पे कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। तो इसमें वही उसी नियम के आधार पर हम बात करेंगे, सबसे पहले के सेल, के सेल के अंदर अधिकतम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल सेल भरेंगे, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए 10, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 10। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बच गए सारे फिल करने के बाद? 10 इलेक्ट्रॉन। तो M सेल के अंदर आएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही हम और भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं अब वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता क्या होती है बेटा? संयोजकता होती है किसी भी तत्व की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जब वो अभिक्रिया करता है तो वो कितने आबंध बना सकता है, वो कैसे जुड़ सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसकी संयोजन क्षमता कितनी है, ये बताता है हमें वैलेंसी के बारे में। और किसी भी परमाणु की वैलेंसी निर्भर करती है उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। जैसे अगर किसी परमाणु के अंदर बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी होगी जितने उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। जैसे किसी का परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 1। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 3 तो उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 3। अब हम बात करते हैं दूसरी, अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा है तो उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 घटा जितने उसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जैसे वापिस हम अपने नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 8 घटा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि कितनी है? 5। तो 8 घटा 5, तो यहां से इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3। तो ये बात होगी हमारी बेटा संयोजकता। ऐसे हम किसी भी परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होती है। तो बेटा किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी है वो बताता है हमारा परमाणु संख्या। जैसे नाइट्रोजन की हमने बात की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने कहा था 7 होता है, तो इसके अंदर नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और यहां पे दूसरी परिभाषा अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने कहा था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी, तो ये कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी? तो उसी के लिए यहां पे हमने परिभाषा लिखी है कि किसी भी परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी परमाणु संख्या बताता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक शर्त रखी हुई है कि परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, अनावेशित होना चाहिए परमाणु। अगर उसके ऊपर आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या
परिवर्तित हो जाते, फिर वो परमाणु संख्या के समान नहीं होता। इसलिए बेटा अगर कोई तुमसे पूछे कि परमाणु संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर वो परमाणु हमारा अनावेशित है, उसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या के बारे में कौन बताता है? परमाणु संख्या। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम का उदाहरण लिया है, परमाणु संख्या है इसकी 11, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और अगर कोई आवेश नहीं उपस्थित नहीं है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अब अपने एटॉमिक मास के बारे में, परमाणु भार के बारे में। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो भी तत्व उपस्थित हैं वो सारे मिलके परमाणु का भार बनाते हैं। तो परमाणु के अंदर क्या क्या तत्व उपस्थित होते हैं, कौन कौन से सब पार्टिकल उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लेते हैं और जो हम मान के चलते हैं लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसी से हमारे परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बन रही है कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी के आधार पर बेटे यहां बात करें तो हम किसी भी परमाणु के अंदर अगर हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम गणना कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का उदाहरण ले, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14, परमाणु क्रमांक है 7, तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमें बता रहे हैं प्रोटोनों की संख्या के बारे में और परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटोनों की संख्या जमा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या घटा परमाणु क्रमांक, तो 14 घटा 7, तो मतलब नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम किसी भी परमाणु का अगर हमें परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अगर बता रखा हो तो उसका हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करें आइसोटोप, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण में हमने लिया हुआ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं H1, H2 और H3। H1 का मतलब हमें उसके अंदर उसका परमाणु द्रव्यमान है 1, H2 का मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान है 2 और H3 का परमाणु द्रव्यमान है 3। तो ये बात होगी बेटा हमारे समस्थानिक की। ऐसे ही बेटा आपने कार्बन के समस्थानिक पढ़े होंगे, कौन कौन से पढ़े हैं बेटा? शाबाश, 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। बेटा जो हम परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं वो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। किसका औसत होता है? जितने भी प्राकृतिक रूप से समस्थानिक एक परमाणु के मिलते हैं उन सबके द्रव्यमान का औसत होता है। तो बेटा जैसे हम औसत किसी भी वस्तु का औसत निकालते हैं, ऐसे ही द्रव्यमान का भी औसत हम निकालते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं मेरे पास 10 रुपए हैं, जिसमें 2-2 के सिक्के हैं 5, 1-1 के सिक्के हैं 1 और 1 5 का नोट है, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितने सिक्के हैं और कितने नोट हैं, इनका औसत निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? सिक्कों की संख्या भाग में कुल। तो ऐसे ही हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं कि वो परमाणु प्राकृतिक रूप से कितने प्रतिशत में उपस्थित है गुणा उसका द्रव्यमान, जमा दूसरा जो समस्थानिक है उसका वो कितना उपस्थित है गुणा उसका द्रव्यमान और भाग में कुल कितना उपस्थित होगा? 100। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है क्लोरीन का, क्लोरीन का प्राकृतिक समस्थानिक जो मिलते हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37।
क्लोरीन 35 की मात्रा होती है 75.77% और क्लोरीन 37 की मात्रा है 24.33%। तो इसका एवरेज निकालेंगे, औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 × 75.77 जमा 37 × 24.33 भाग में 100। और इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 35.48 AMU। AMU का मतलब क्या होता है बेटा, शाबाश, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्लोरीन का यहां पे हम द्रव्यमान जब भी कैलकुलेशन करते हैं, परमाणु द्रव्यमान आपसे कोई पूछता है तो हम लिखते हैं 35.48 या इसका लगभग हम निकाल लेते हैं 35.5। ये बात होगी बेटा हमारी औसत परमाणु द्रव्यमान। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे बेटा समभारिक आइसोबार क्या होते हैं। तो जैसे आइसोटोप होते हैं ऐसे ही आइसोबार होते हैं, समभारिक होते हैं, नाम से ही लग रहा है समभारिक। वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम, तीनों का परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो इनका द्रव्यमान की बात करें तो तीनों का द्रव्यमान होता है 40। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, समभारिक या आइसोबार। तो बेटा अब हम अंत में बात करें, आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने बात की है बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई भी परमाणु उसके केंद्र में क्या उपस्थित होता है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं और जब तक वो इसके वृत्ताकार पथ में घूम रहे ना ही वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ना ही ऊर्जा को छोड़ते हैं। फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई भी कक्ष हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज करते हैं उसके हमने नियम पढ़े थे इसमें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था। फिर हमने बात की एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या होता है बेटा, किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या या अनावेशित परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। फिर हमने बात की एटॉमिक मास के बारे में, ये क्या कहता है, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान। फिर हमने बात की आइसोटोप के बारे में, जो क्या कहता है, आइसोटोप क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। और लास्ट में अंत में हमने पढ़ा है आइसोबार संभारिक, जो क्या कहता है कि परमाणु संख्या तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।